हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस प्रिंसिपल बुक समारी पे आज प्रिंसिपल नंबर 16, बी विलिंग टू पे द प्राइस। उससे पहले हमने क्या क्या प्रिंसिपल्स देखे थे, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 इज टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2 इज बी क्लियर व्हाई यू आर हियर। 3 डिसाइड व्हाट यू वांट। 4 बिलीव इट्स पॉसिबल। 5 बिलीव इन योर सेल्फ। 6 बिकम इन इनवर्स पैरानॉइड। 7 अनलीश द पावर ऑफ गोल सेटिंग। 8 चंक इट डाउन। 9 सक्सेस लीव्स क्लूज। 10 रिलीज द ब्रेक्स। 11 सी व्हाट यू वांट गेट व्हाट यू सी। 12 एक्ट एज इफ। 13 टेक एक्शन। 14 Just lean into it. 15 experience your fear and take action anyway. तो अभी है be willing to pay the price. यानी अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें उसके लिए एक प्राइस तो देना है, नहीं तो सक्सेस मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज आपको अगर कुछ जिंदगी में करना है तो उसके लिए आपको डेडिकेशन, डिवोशंस, फोकस, कॉन्सेंट्रेशंस सब कुछ चाहिए। और वो सब कुछ करने के लिए आपको सर्टेन एक्टिविटीज को कट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि टीवी देखना, सिनेमास देखना, टीवी सीरियल्स देखना, क्रिकेट मैचेस देखना, मीन्स वो सब एक्टिविटीज जब आप करोगे तो डेली दे आर टेकिंग ए मेजर पार्ट ऑफ योर टाइम, क्रिटिकल टाइम। तो आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको वो सब सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। उसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, जो प्रोसेस इज नॉट इजी। जैसे मान लीजिए कि सपोज आपको मॉर्निंग में 5 बजे जगना है एंड आपका जो दिनचर्या है उसको अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। 5 बजे उठना है, 1 घंटा मेडिटेशन करना है, आधा घंटा आपका एफर्मेशन करना है, देन 15 मिनट विजुअलाइजेशन करना है, देन रीडिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, लिखना है। ये एक डिसिप्लिन है। फिर आपको अगर कुछ जिंदगी में बनना है तो आपको रेगुलर बेसिस पर कॉन्स्टेंटली किताबें पढ़ना पड़ेगा। किताबें पढ़ने के लिए भी आपको डेडिकेशन चाहिए। उसके बाद कुछ अगर स्किल्स आपको सीखना है तो उसके लिए भी आपको 100% डेडिकेशन देना है। तो ये सब जब आप सीखने के लिए जाओगे, इट इज एसोसिएटेड विथ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। एंड वो जब हम करने जाएंगे, मान लीजिए 5 बजे उठने के लिए पहले पहले हमें काफी पेन होगा, तकलीफें होंगे, दिक्कतें होंगे कि चल छोड़ना, आराम से 8 बजे सुबह उठते हैं, क्यों इतना मेहनत करना है, क्यों एक्सरसाइज करना है, क्यों मेडिटेशन करना है, क्यों रीडिंग करना है, ऑल दीस थिंग्स। बट पेन इज इन्वॉल्व इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग। तो पेन इज ओनली टेम्पररी, द बेनिफिट्स लास्ट फॉरएवर। तो ये जो पेन एसोसिएटेड विद सर्टेन डिसिप्लिन, सर्टेन एक्शंस, सर्टेन वे ऑफ लाइफ आपको करना है, तो ये जो पेन को आप पेन के थ्रू से ही जाना पड़ेगा। इतने कोई भी मीन्स आपका सोने के या चांदी के थाली में परोस के नहीं आएगा सक्सेस। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसके लिए डेडिकेटेड इफोर्ट्स डालने पड़ेंगे एंड उसके लिए सर्टेन पेन्स तो आएंगे ही। बट वो जो पेन है टेम्पररी है। टेम्पररी यानी एक बार आप एक प्रोसेस के थ्रू से खुद को सिस्टमेटाइज कर लिए तो क्या होगा, दैट बिकम्स योर दिनचर्या, योर डे डे टू डे एक्टिविटी। उसके बाद आपको पेन नहीं होगा। लेकिन जो बेनिफिट आप रीप करोगे, जो बेनिफिट आप मिलेगा आफ्टर अचीविंग दैट पर्टिकुलर टारगेट, वो जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आफ्टर 12th इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं, तो 12th
तक के लिए एक डेडिकेटेड रीडिंग स्टडी करना है, फिर एक एंट्रेंस एग्जाम्स देना देके क्लियर करना है, उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग या 5 साल का मेडिकल, व्हाट एवर में भी द नंबर ऑफ इयर्स इन्वॉल्व, आपको डेडिकेटेड वे में आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। सो ओवरऑल प्रोसेस एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स होंगे, उसके बाद आप एक वैल्यूएबल इंजीनियर बन गए, एक रिनाउंड डॉक्टर बन गए हैं, उसके बाद उसका जो बेनिफिट है लाइफ लॉन्ग आपको मिलता रहेगा। सिमिलरली इफ यू हैव डिसाइडेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो आईएएस ऑफिसर्स बनने के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर्स डिग्री या आफ्टर सम स्पेशलाइजेशन आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हो, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा आप डेडिकेटेड एफर्ट्स दे रहे हो, काफी पेन के थ्रू से, पेन के पेन वाला प्रोसेस से जाना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप आईएएस ऑफिसर्स बन गए तो वो जो आपका जो बेनिफिट है लाइफ लॉन्ग है। सो उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो ये जो बी विलिंग टू पे द प्राइस इतना इजी नहीं है, एवरी नाउ एंड देन हमें नॉक करेगा कि छोड़ना, कम सब छोड़ दे, आराम से अपने कंफर्ट जोन पे आ जाए, क्या जरूरत है कुछ करने, इतना मेहनत करने का, आराम से तो है ना बार बार। लेकिन आपको डेडिकेटेड वे में डिसाइड करना पड़ेगा, आई हैव टू डू इट व्हाट एवर इट टेक्स, कुछ भी हो जाए मेरे को तो करना ही है, व्हाट एवर इट टेक्स, हम मेरे को तो करना ही है, चाहे मेरे को 4 बजे जगना पड़े, चाहे मेरे को 3 बजे जगना पड़े, मैं तो जग के ही रहूंगा, व्हाट एवर इट टेक्स, चाहे मेरे को 8 घंटा पढ़ना पढ़ाई करना पड़े, चाहे मेरे को 14 आवर्स, 15 आवर्स, 16 आवर्स पढ़ना पड़े, व्हाट एवर इट टेक्स, मैं तो पढ़ूंगा ही, 2 2 घंटा, 5 5 घंटा, अगर एक्सरसाइजेस करना है बॉडी को फिट रखने के लिए टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, तो व्हाट एवर इट टेक्स हमें करना ही है। तो कभी कभी क्या होगा कि ये जो हमारा बी विलिंग टू पे द प्राइस, काफी टाइम काफी ऑकवर्ड स्टेज के प्रोसेस के थ्रू से हमें गो थ्रू करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार अगर कंप्लीट हो गया आपका टारगेट, इट विल पे द रिवर्स फॉर एवर। तो ये जो आपका डेडिकेटेड इफोर्ट्स, डिसिप्लिन, उसके बाद आपका मींस व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड, उसके लिए एक प्राइस है। इंजीनियरिंग के लिए 12th, देन आपका एंट्रेंस एग्जाम, देन 4 इयर्स और स्पेशलाइजेशंस का, मेडिकल के लिए भी सिमिलरली, आईएएस के लिए या एनी डैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए एक प्राइस है। आर यू रेडी टू पे द प्राइस, दैट इज द थिंग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको डिसाइड करना है कि मेरे को अगर ये करना है तो व्हाट आर द प्राइसेस आई हैव टू पे, उसको एक बार ध्यान कर लीजिए, उसके बाद डिसाइड कर लीजिए व्हाट एवर इट टेक्स आई एम रेडी टू पे द प्राइस, आई एम रेडी टू पे द प्राइस, एंड लग जाओ अपने काम पे। ये सक्सेस प्रिंसिपल 16 में ऑथर ने वही बोला है कि बी विलिंग टू पे द प्राइस। एक क्रेडिट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, आज मैंने मेरे बेटे दैट इज जो 13 इयर्स ओल्ड है, उनसे मैंने सीखा है हाउ टू क्रिएट द थंबनेल। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माय सन सायंश बरुआ हु हैज हेल्प मी, हु हैज गाइडेड मी हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल। तो आज से मैं यूट्यूब में थंबनेल यूज करने वाला हूँ, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू माय सन। सो बुक रीडिंग समरी, सक्सेस प्रिंसिपल, बी विलिंग टू पे द प्राइस, दैट प्रिंसिपल नंबर 16, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।